सोचो एक ऐसी जगह जो चारों ओर पहाड़ों से घिरा हुआ है, जहाँ दिन की शुरुआत शहर की शोर से नहीं बल्कि चिड़ियों की मधुर धुन से होती है, जहाँ ठंडी और मीठी हवाएं चलती है और बस सुंदर नज़ारे हर जगह। चोरला घाट में स्थित वाइल्डनेस रिजॉर्ट मानो प्रकृति की सुंदरता से मिलाने वाली द्वार है, जहाँ शांति और सुकून ज़रूर महसूस होता है और जंगल के बीचों बीच रहने का एक अनोखा एक्सपीरियंस है। तो चलो ये सुंदर जगह पे कुछ दिन गुजारते हैं। स्वागत है वाइल्डनेस रिजॉर्ट में। Guys, it's Grishma and welcome to my channel and welcome from Chorla Ghat mein situated a beautiful resort jiska naam hai Wilderness. So I am super excited to take you on this epic adventure jahan pe hum ek forest mein yani ki hum jungle ke beecho beech rehne wale hai plus bahut sare activities karne wale hai, trekking karne wale hai. This is the beautiful infinity pool that you see behind me and aur bhi bahut sare cultural events ko bhi hum attend karne wale hai. रिजॉर्ट लोकेटेड है चोरला घाट में, जो गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटका का बॉर्डर है। फ्रॉम मुंबई बाय रोड इट्स अराउंड 11 आवर्स अप्रॉक्सिमेटली। टू गेट देयर द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इज थीवम इन गोवा विच इज अराउंड 1 आवर एंड गोवा एयरपोर्ट इज अराउंड 2 आवर्स बाय रोड। आई रीच द रिजॉर्ट बाई टेकिंग अ ट्रेन फ्रॉम मुंबई टू गोवा। आफ्टर द ओवरनाइट जर्नी द होटल व्हीकल हैड कम टू पिक अप द ग्रुप एंड थ्रू द घाट वी रीच द वाइल्डनेस रिजॉर्ट। रिसॉर्ट तक जाने का भी एक अनोखा तरीका है। रिसॉर्ट तक गाड़ी नहीं जाता है एंड वी हैव टू पार्क द कार एट द पार्किंग एरिया एंड टेक अ ट्रॉली कार टू गेट टू द टॉप। दिस इज वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस एंड ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा है। माउंटेन से होते हुए और सुंदर नज़ारे देखते हुए हम पहुँचते हैं रिसॉर्ट। रिसॉर्ट आते ही एक गाइडेड टूर होता है जिसमें हमें रिसॉर्ट का लेआउट और रिसॉर्ट के बारे में जानकारी मिलती है। 6 वैली व्यू, वी हैव 2 फैमिली रूम और 3 स्विमिंग पूल रूम और 9 फॉरेस्ट व्यू रूम। जस्ट फॉर 2 नाइट नो? या। सो टिल डे आफ्टर टुमारो व्हाट यू लाइक टू डू, मेक आउट योर प्लान टू। देयर इज अ टाइमिंग फॉर दैट, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर एंड अदर एक्टिविटी। सो नाउ द 1 टू 3 इज लंच टाइम, देन देयर इज अ पॉटरी, वन गाय विल शो यू हाउ टू डू द पॉट्स, व्हाट यू लाइक टू मेक यू कैन मेक एंड व्हाइल यू लिविंग देम टेक टू द होम। देयर इज अ मेहंदी आर्ट, वन लेडी शी विल पुट मेहंदी, इफ यू वांट टू पुट मेहंदी एनीवन सो यू कैन डू द मेहंदी एंड ऑल। सो द टी टाइम एनी टाइम दे गिव यू। वी गो फॉर अ ट्रैक इन द इवनिंग, वॉक इज अराउंड 20 मिनट्स गोइंग अप टू द माउंटेन, 20 मिनट्स कमिंग डाउन। टुडे देयर इज अ फोक डांस ऑन दिस प्लेस, डोंट मिस, हैव अ नाइस, या सो हैव अ नाइस डिनर। So he's really, really interested on the night walk. So the walk is on the property only. You can see the luminescent fungus, you can see snakes, frogs and all like that. So tomorrow morning we go for the waterfall track. 7 to 9, the waterfall track is 1 hour walk one way, 1 hour coming back, half an hour we spend there. Then you can have your breakfast. The same thing, you can go to the pool, enjoy, have a lunch. Then again the same thing, this it will be changed for tomorrow, that one have a look. कॉटेज है, दिस इज अ फॉरेस्ट व्यू कॉटेज। सो यहाँ पे 3 प्रकार के अलग अलग रूम्स है। 1 इज अ पूल रूम विच आई वॉन्टेड, 2nd इज अ वैली व्यू एंड द 3rd वन इज दिस फॉरेस्ट व्यू। सो हमारा कॉटेज एक्चुअली एकदम एंड में लोकेटेड है। सो नाउ लेट मी गिव यू अ रूम टूर, सो कम ऑन। सो दिस इज अवर रूम। ये बहुत ही ऐसा कोजी सा रूम है, इसके तीनों तरफ ग्लास है जो हम ऑब्वियसली क्लोज कर सकते हैं पर्दा डाल के, बट दिस रूम इज वेरी नाइस एंड कोजी एंड एज यू कैन सी बहुत ही ग्रीनरी है पीछे, मतलब इतना नेचर में रहने का जो मिलता है ना एहसास, वो यहाँ पे आपको आके जरूर लगेगा। ऑल्सो द हाई सीलिंग्स इज एब्सोल्युटली स्टनिंग, इट्स मेड आउट ऑफ वुड एंड हैज लाइक अ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर टू इट विच मेक्स इट लुक वेरी एलोंगेटेड एंड टॉल एंड even emphasizes the beauty of the room even more. One more thing that I want to mention over here is that there is no air condition in this room. So the only ventilation that we have is the fan above, that's it.
सो गर्मी में ये प्रेफर नहीं होता है ड्यूरिंग द रेनी सीजन एंड आफ्टर रेनी सीजन एंड विंटर्स इज द टाइम वेयर पीपल कम हियर एंड विजिट. सो पहली बात तो जो आवाज़ आ रही है क्रिकेट की वो एक बहुत ही नेचर वाली आवाज़ है. प्लस यहाँ पे कुछ कुछ एलिमेंट्स लगाए हैं लाइक दिस वन पॉ प्रिंट लगाए हैं. प्लस यहाँ पे तांबे के बर्तन है हमें तो ये पूरा एरिया में देर इज नो यूज ऑफ प्लास्टिक. दे हैव कट डाउन द प्लास्टिक टू एज लो एज पॉसिबल एंड दिस इज द बेड ऑफ कोर्स वेरी कम्फी लार्ज बेड एंड इधर से होके यू गो ओवर हियर. सो दिस इज द बाथरूम एरिया. यहाँ पे ओपन क्लोसेट टाइप है एंड अंदर बाथरूम है. बाथरूम में भी एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमें लोटा रखा हुआ है. ऑफ कोर्स देयर इज हैंड शावर एंड ऑल देयर एज वेल बट वो भी एक इज अ इंटरेस्टिंग एलिमेंट है एज आई मेंशन. सो या ये रहा हमारा रूम टूर काफी अच्छा लगा. सो या नाउ वी विल स्टार्ट आवर डे. वी विल गो एंड हैव लंच फर्स्ट व्हिच इज इंक्लूडेड इन आवर पैकेज एंड देन वी विल कंटिन्यू द रेस्ट ऑफ द एक्टिविटीज. लंच ओवर हियर एट द रेस्टोरेंट. छोटे छोटे मटके में रखे हुए खाना एंड वैरायटी काफ़ी सारा है. मतलब ऑथेंटिक महाराष्ट्र फूड रहेगा. एक चीज़ मुझे यहाँ की अच्छी लगी कि मराठी में भाजी का नाम लिखा है बट हमें पता नहीं होता कि कौन सा वेजिटेबल है. तो उसके पॉट के सामने दे हैव प्लेस दैट वेजिटेबल ये बताने के लिए कि इसका भाजी है विच इज़ वेरी नाइस हम जैसे लोगों के लिए जिसे नहीं पता होता है. सो अभी लंच हो गया है एंड आई एम वॉकिंग टूवर्ड्स द रिसेप्शन बिकॉज एट 3 PM देर इज़ अ पॉटरी सेशन दैट हैपन्स ओवर हियर. सो रिसेप्शन टू रेस्टोरेंट इज़ लाइक 2-3 minute walking which is what I am doing at the moment. As you can see it's so green and lovely out here. So let's go. I hope I'm going the right direction to the reception. Let's find out. Reception ke jaane ke raaste pe yahan pe ek temple hai Vishnu ji ka. And it's raining heavily but मौसम काफ़ी अच्छा हो गया. ठंडी भी बज रही है बहुत और हवाएं भी चल रही है एंड पूरे जो व्यू है वो कवर हो गए अभी क्लाउड से. तो बहुत ही मिस्टी एंड लवली लग रहा है. पूरा जो सराउंडिंग है बहुत ही अच्छा हो गया है. ये मैं अभी आई हूँ लॉबी एरिया में मतलब जहाँ हम लोग केबल कार से ऊपर आए. दिस इज़ द एरिया आई एम स्टैंडिंग फॉर लाइक शेल्टर बिकॉज बहुत ज़ोर से बारिश आ रही है. Stop, which is amazing. मैं आगे जा रही थी so I found this cute little pond also over here, which has fishes also inside it, which is so cute. तो मतलब यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं डिस्कवर करने के लिए. यू कैन स्टार्ट वॉकिंग एंड लाइक फाइंड न्यू पार्ट्स एंड डिस्कवर न्यू प्लेसेस. नाउ लेट्स कंटिन्यू माई वॉक एंड सी आगे क्या है. क्यूट आर्ट गैलरी जहाँ पे हम पॉट्स बनाने वाले हैं विच वी कैन ऑल्सो टेक होम विच इज अमेजिंग. सो लेट मी फर्स्ट शो यू ऑल दिस ब्यूटिफुल पिक्चर फ्रेम्स दैट दे हैव. फर्स्ट टाइम था ऑन ट्राइंग माई हैंड्स ऑन पॉटरी एंड आई मस्ट से इट वॉज सुपर फन. पर जितना आसान ये दिखता है उतना है नहीं. बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है जो मैं आगे भी सीखना चाहती हूँ. इतने में हुआ था हाई टी का वक्त और हाई टी के लिए था चाय कॉफी टोस्ट और चकली. Made it to another section of the resort. This is a machan. ये कैसा balcony sort of area बनाया है, which has a view of the valley. इधर अगर chair होता तो अच्छा होता, so that people can come and sit over here. But this is a place that you can hang out.
and that's the view of the valley right over there. You can go for a short hike up the mountain to usually see the sunset, but abhi monsoon season hone ke wajah se sunset to nahi dikhega, but you can go and see the misty mountains up close. So this is the trail that you have to follow. This is the view that you can see from this location. Right now it's evening time और अभी बजने वाले 8 and 8 बजे रेस्टोरेंट में फोक डांस का प्रोग्राम अरेंज किया गया है जिसमें ट्रेडिशनल महाराष्ट्रन स्टाइल में डांस होने वाला है. सो दैट इज़ वेयर वी आर हेडिंग राइट नाउ एंड उसके बाद ही होने वाला है डिनर इन द सेम इन हाउस रेस्टोरेंट. सो नाउ वी आर हेडिंग ओवर देयर. काफ़ी अंधेरा हो गया रात में एंड द टेम्परेचर हैज़ ऑल्सो ड्रॉप्ड क्वाइट अ बिट. सो अभी फुल स्लीव्स वगैरह शॉल जैकेट वगैरह वुड बी क्वाइट आइडियल एंड वेयर फुल पैंट्स when you're coming over here because mosquitoes or कीड़ा वगैरह का यहाँ पे इशू है थोड़ा सा. सो मॉस्किटो रिपेलेंट कैरी करना. सो नाउ लेट्स गो एंड हेड टू डिनर. So that was a wonderful performance by the beautiful lady. And jaise Marathi mein bolte hai, apratim. After that, we had dinner. Dinner mein bahut sare varieties the, authentic vegetarian options se leke fish fry, Maharashtrian style chicken, aur dessert mein fruit custard. And that's how day one at the Wilderness Resort ended. Early in the morning, I decided to go to the pool. It was quite a foggy and a dreamy morning and I had all the pool to myself. What a pleasant start to the day. Good morning. So this is day 2 here in the Wilderness Resort and abhi baj rahe hai around 9:30 and we are heading for the in-house breakfast. So hamara yahan pe do night ka stay hai, that is yesterday and today. So aaj raat ka bhi hum yahi pe stay karne wale hai and today is going to be a very chill day as well. In the morning I went to the pool which was really nice. Bahut sare photos wagera nikale and it's an infinity pool jo bahut hi khoobsurat hai. Or you can go for a trek in the morning as well. I skip that, but that an activity and a lot of people that are staying over here, wo log wahan pe gaye hain. Now let's go and have breakfast first to start the day. स्वप्नागंधा ये दोनों अलग अलग रिसोर्ट है विच बिलोंग टू द सेम पर्सन एंड हेंस वी आर नाउ गोइंग टू विजिट स्वप्नागंधा. स्वप्नागंधा देखा जाए तो वाइल्डरनेस से नीचे की तरफ है. यू कम फ्रॉम गोवा टू हियर तो स्वप्नागंधा पहले मिलता है एंड थोड़ा और चढ़ाई करके वी गेट वाइल्डरनेस. सो अभी वी आर गोइंग टू स्वप्नागंधा एंड टेक अ टूर ऑफ द प्रॉपर्टी. इसको जाने के लिए वी केम अगेन फ्रॉम दैट ट्रॉली विच वॉज सो अमेजिंग एंड इट्स अ वेरी सरियल एक्सपीरियंस. Now we have ourselves a jeep जिसमें हम जाने वाले हैं टू स्वप्नागंधा. All right, so we have reached the स्वप्नागंधा resort. ये काफ़ी similar बनाया ही है.
यहाँ पे भी इवनिंग ट्रेल होता है, यहाँ पे भी फोक डांस है, डिनर, पॉटरी, मेहंदी, जो भी सारे एक्टिविटीज़ हमारे रिजॉर्ट में है द वाइल्डनेस, उसमें भी सिमिलर एक्टिविटीज़ है, बट द स्टे ऑप्शंस ओवर हियर आर अ बिट डिफरेंट एज कम्पेयर टू वाइल्डनेस. सो आई एम गोना शो यू वन ऑफ द स्टे ऑप्शंस फ्रॉम आउटसाइड इफ पॉसिबल. सो लेट्स गो एंड हैव अ क्लोजर लुक. स्वप्नगंधा में फॉरेस्ट व्यू रूम्स, वैली व्यू रूम्स और एक पूल रूम है. द व्यूज आर फैंटास्टिक एंड ओपन. देयर इज आल्सो अ लार्ज रेस्टोरेंट विद अ व्यू जहाँ पे ब्रेकफास्ट, लंच, हाई टी और डिनर होता है. Of Swapnagandha, and I think I like this one much better than the one we have at Wilderness, because ये पूरा open है. हमारे Wilderness में there are trees which covers the view. यहाँ पे पूरा unobstructed view है. और so यहाँ पे बहुत सारे seating options भी बनाए हुए हैं to like chill and relax. But this is really nice. Also besides the pool area is a little seating area that they have created, and I think yahan pe raat ko bonfire bhi karte, so again multiple seating options over here as well, which is much appreciated, because agar aap group mein aate ho to aise baithne wali jagah chahiye hoti hai, and this over here is perfect for that. Shown you guys both the properties, Swapnagandha and Wilderness Resort. Swapnagandha is more cozy and small. Yahan pe rooms kafi acche hai. It has valley view rooms. The pool is my favorite part because it has undistructed view of the hills, which is beautiful, and the rooms are also quite accessible from all the locations. The next one is the Wilderness Resort where we are staying at. That property is much larger, bahut sare rooms hai, and it feels like you're living inside a dense forest as well. The pool is also really nice, but एक ड्रॉबैक है कि बहुत चलना है फ्रॉम वन लोकेशन टू द अदर, एंड द रेस्टोरेंट एंड द रूम्स आर क्वाइट फार, एंड द पूल इज आल्सो क्वाइट फार. सो नाउ इट्स अप टू यू टू डिसाइड व्हिच वन डू यू लाइक बेटर, स्वप्नगंधा और द वाइल्डनेस रिसॉर्ट. केम बैक टू द वाइल्डनेस रिसॉर्ट, हैड लंच, थोड़ा चिल किया और रात के समय देखा लैम्प डांस, जो विजुअली बहुत ही सुंदर था. करने के बाद वी हेडेड फॉर द नाइट वॉक, स्पॉटेड अ कपल ऑफ स्पीशीज, अ वाइपर, इंसेक्ट होम्स, एंड ऑल्सो सॉ द लूमिनस फंगस दैट ग्लोज एट नाइट. इट वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग. ये काफ़ी अलग एक्सपीरियंस था. पूरा अंधेरा था और बस मोबाइल और टॉर्च की रोशनी थी, एंड दैट्स हाउ डे टू एंडेड एट द वाइल्डनेस रिजॉर्ट. So this is the next day, that is day 3, and today we are checking out from this property. ये resort देखा जाए तो बहुत ही ऐसा शांत chilled out रहना है, तो you can come here. It's good for couples and like who want to spend some time like just being with nature. Activities ज़रूर है, but most of the time it's like quiet and nice. I think personally for me one day would have been quite enough. एक दिन में I could have covered all the activities, but again 2 days is something that you can consider if you want to be utmost in peace. From here I'm going back to Mumbai via the Vande Bharat Express, which is a special train, and this is the first time me traveling in that train, that is from Goa to Mumbai. So thank you so much for watching this video. If you liked it, make sure to give it a big thumbs up and subscribe to my channel if you haven't already. This is me, Grishma, signing off. Until I meet you again in a new place, in a new city. Bye bye.